मेरा वही सवाल जो मैं सी पी राय से पूछ रही थी कि जो लिस्ट है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आगे आने वाले जो इलेक्शन है, चाहे 2024 के हो या राज्य के जो इलेक्शंस हैं, उन सबको एक तरह से साधने की इसमें पूरी कोशिश है, जिस तरह के नामों की लिस्ट हमने फहरिस्त हमने देखी है? किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को पूरा अधिकार है, जब पूरी किसी पूरी जब की जो उनकी वो कार्य समिति थी, उन्होंने जब उनको अधिकार दिया है कि वो चुनाव की बजाय सबको नामित कर दे, तो ये तो निश्चित तौर पे खड़गे साहब का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपनी टीम में लेना चाहे, किसको ना लेना चाहे। लेकिन कुछ पक्ष आपने इसके रखे, इसके कुछ पक्ष में और रखना चाहूंगा, क्योंकि सारे का सारा जो चीज जो चल रही है, जो कांग्रेस कार्य समिति है बेसिकली, देखिए मैंने कांग्रेस करीब जी करीब 23 साल कवर की है AICC के लेवल पे, और ये पहला अवसर मैं देख रहा हूं कि इसमें लगभग जो पूरी स्थिति है ना, वो पहली बात तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उनको अधिकार दे दिया गया था खड़गे साहब को, तो उस नियुक्ति में दस जी साल 10 महीने कैसे लग गए? कांग्रेस पार्टी की कुछ इनबिल्ट जी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना बाकी चीजें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और वो उसके पास इतनी पावर्स है, अथाह पावर है, नीति निर्धारक संस्था है, कि वो अध्यक्ष को भी हटा सकती है। तो ऐसी महत्वपूर्ण कमेटी जो खड़गे जी का चुनाव वोटिंग से हुआ, उसके बावजूद उसको नॉमिनेशन करने में 10 महीने लगे, पहली बात तो ये। आज की जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, उसमें कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से बचना होगा, और जो भी फैसला लेना है वो तुरंत प्रभाव से महीने 20 दिन 2 महीने में, 10 महीने इज ए लॉन्ग टाइम, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, इसमें जो भी नाम आए हैं, खासतौर पर जो रेगुलर मेंबर्स हैं पहले 39, उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें जी कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है, वही नाम है घिस पिट के जो 24 अक्टूबर के आसपास घूमते हुए पाए जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर आज के दौर में, इस कम्पिटिटिव दौर में, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कम्पीट क्यों नहीं कर पाती, एक तो उसका वर्क कल्चर ऐसा है, दूसरा है उसमें फ्री फॉर ऑल रहता है। अब मुझे ये बताइए आप, जो कल तक जो आनंद शर्मा टाइप के लोग थे, जो मनीष तिवारी जैसे लोग थे, जो पार्टी की लीडरशिप को ओपनली चैलेंज कर रहे थे, उनको भी ले लिया गया। इसको देखने के दो तरीके, एक तरीका आपने बताया कि सबको तुष्टिकरण करके साथ लेके टीम बना के चलने की बात है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि उनका जो पास्ट रहा है वो कल को फिर इसी तरीके की बातचीत ना शुरू कर दे, एक ये पक्ष कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल समय, जैसा आपने कहा अगले साल लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। रमेश चेन्नीथाला जैसे लोग जो पार्टी में आज से 18 साल पहले परमानेंट इन्वाइटीज थे, उनके जो शिष्य हैं अपने क्या नाम KC वेणुगोपाल जैसे लोग, वो तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और केसी जो रमेश चेन्नीथाला है जो वहां की सबसे बड़े लीडर है केरला के, वो आज भी परमानेंट इन्वाइटी है, वो नाराज है। दूसरा गजब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है, अशोक गहलोत साहब, जब खड़गे साहब को चुनाव के लिए लाया गया, अशोक गहलोत को नॉमिनेट किया गया था अध्यक्ष पद के लिए मैडम की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से। आज की अगर वो लिस्ट देखेंगे आप, जैसा आपने कहा 84 नाम, उनमें अशोक गहलोत का भी नाम नहीं जी। है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए दावेदार था वो आज मेंबर भी नहीं है सिर्फ, और ऐसे तमाम मुख्यमंत्री। मुझे ये बताइए, कर्नाटक की जीत किसने दिलाई? सिद्धारमैया ने दिलवाई, डीके शिव कुमार ने दिलवाई, कहा है उनके नाम? छत्तीसगढ़ में नेता कौन है आपका मुख्यमंत्री, कहीं नाम देखा आपने उनका लिस्ट में? जो हारे हुए चन्नी जैसे जो चले हुए कारतूस हैं, जो अपने भी चुनाव नहीं बचा पाए दोनों सीटों पर, उनको आप CWC में ले रहे हो तमाम कारणों से। उस वो देखिए अध्यक्ष का फैसला है, मेरा काम एज ए जर्नलिस्ट ये है कि जो जो कमियां हैं उनको पॉइंट आउट करूं। जो बिल्कुल पिछले 5-7 साल से जब से राहुल जी आए हैं, उनके आसपास जो लोग दिखते हैं, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो KC वेणुगोपाल हो, सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा, सचिन राव की बात कर रहा हूँ, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पार्टी में कोई खास स्टैंडिंग उस रूप में नहीं, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनली किसी और पे हो, दे आर नॉट द फेसेस। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंट, आप मुझे बताइए कि स्टेट्स के अंदर पार्टी कौन चलाता है? PCC प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री और CLP लीडर, तीन ही तो चीजें हैं ना, सत्ता में है तो CM है, विपक्ष में है तो CLP लीडर। कई नाम देखा आपने किसी का इसमें? तो इसमें कई इनबिल्ट प्रॉब्लम है, उनके तकनीकी कारण भी मैं बता दूं मिश्रा जी आपको। खड़गे साहब के पास लिमिटेड चॉइसेस थी, नंबर ऑफ सीट्स आर यू नो लिमिटेड, और उसके बाद जो रायपुर के अंदर जो फैसला कर दिया गया कि 50% आरक्षण महिला OBC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लाइक दैट, उस सब के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में जो आप वर्किंग कमेटी की जब भी आप बात करेंगे, 138 साल पुरानी पार्टी है, इसमें तमाम स्टालवर्ट्स रहते थे, तमाम स्टालवर्ट्स। और आज की आप लिस्ट देखेंगे, इसमें से मैं देख के हैरान था, मैं अभी गिन रहा था जब आपका मैसेज आया, कि इनमें से कितने लोकसभा चुनाव लड़े हुए लोग। राजनीतिक दल का मतलब तो लीडरशिप होता है ना, स्ट्रेटेजी भी होता है,
नीति निर्धारण भी होता है, तमाम चीजें होती है। तो यहां भी कहीं ना कहीं जो किचन कोर्ट कैबिनेट है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है काम करने का कि पकड़ो और किसी को बना के लगा दो, तो उसमें आपको टीम तो दिख जाएगी लेकिन उनमें से इफेक्टिव लोग कितने हैं, ग्रास रूट पर कितने हिट कर सकते हैं, कितनों को ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनल एक्सपीरियंस है, लोगों के बीच में रहने का एक्सपीरियंस है। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रवक्ता होना एक अलग पक्ष है, वो कम्युनिकेशन का पक्ष है, और सीडब्ल्यूसी में होना एक दूसरा पक्ष है। ये मैं कहना चाहूंगा, रोल्स हैव टू बी डिफाइंड इन ए पर्टिकुलर वे फॉर ए नेशनल पार्टी। क्या क्या आपको लगता है हेमंत जी? ओके, मैं आपके पास आ रही हूँ प्रमोद जी। हेमंत जी, क्या आपको ये लग रहा, ये नहीं लग रहा कि अगर राजस्थान की पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि इसी तरीके से सचिन पायलट को साधा जा सकता था कि अशोक गहलोत का नाम ना हो, और वो तो वैसे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं और अगले चुनाव के लिए दावेदार हैं, तो सचिन पायलट को भी तो किसी तरह से खुश करना था, वो भी लगातार नाराज चल रहे थे, तो इसीलिए उनको सीडब्ल्यूसी में सिर्फ उनको जगह दी गई। या आप छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ये नहीं लग रहा कि भाई जो जिसको मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है उसको पहले से इंपॉर्टेंस दी गई है, तो दूसरे जो नेता हैं उनको शामिल करके उनको दरअसल खुश किया जाए ताकि तमाम चीजों को एक साथ देखा जा सके? सचिन पायलट के मन से पूछ के देखिए कि क्या वो सिर्फ सीडब्ल्यूसी में लाए जाने से खुश है। कोई भी कांग्रेस का नेता जो स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जो लीडरशिप को चैलेंज करता है, मुख्यमंत्री के पद पर दावा करता है, वो सीडब्ल्यूसी में आके खुश है या स्टेट में रहकर खुश है? पहली बात तो ये। पिछली बार जब सचिन पायलट को राजस्थान की पूरी तैयारी अध्यक्ष करके बना करके भेजा गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उसके सारी के सारे मुख्यमंत्री का दावा था, 5 साल तक वो डिप्टी सीएम और ये सारी चीजें अध्यक्ष पद रहे, लेकिन फाइनली जब अभी भी कांग्रेस लीडरशिप की कोशिश थी, सोनिया गांधी की, राहुल की, प्रियंका की, कि किसी तरीके से उनको स्टेट में वापस एकोमोडेट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि एकता का संदेश जाए। तो इस संदेश से देखिए, एक होता है सचिन पायलट को एकोमोडेट करना और एक होता है सचिन पायलट को उसका ड्यू देना। सोनिया गांधी ने इन सबको बुलाया था अभी रिसेंटली पीछे, उसमें क्या हुआ, गहलोत साहब ने कहा मेरे पैर में चोट लगी, मैं आ नहीं पा रहा हूं, तो वो नहीं आए। तो हार करके हाईकमान को क्या करना पड़ा कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सचिन पायलट टू राजस्थान, दे हैड टू एकोमोडेट हिम इन सीडब्ल्यूसी। दैट इज द रियल स्टोरी। सचिन पायलट के मन से पूछिए, वो सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने आए थे या मुख्यमंत्री बनने आए थे या स्टेट में काम करने आए थे? दूसरी बात यह है, जो आपने कहा जो स्टेट के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को महत्व और ना महत्व की बात नहीं है इसमें, सवाल यह है कि जब आप नेशनल लेवल पे पार्टी बैठती है तो आपके मुख्यमंत्री मेन फेस होता है उस स्टेट का, प्लस पीसीसी प्रेसिडेंट या फिर सीएलपी लीडर, ये तीन ही तो नेता होते हैं ना कांग्रेस में। अगर मुख्यमंत्री बताए, सिद्धारमैया भी नहीं है वहां पे, आपने एक का नाम लिया, सिद्धारमैया जी भी नहीं है, डीके शिव कुमार भी नहीं है, अशोक गहलोत भी नहीं है। और ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एक्सपीरियंस, मास लीडर्स एंड फेसेस ऑफ द पार्टी। मेरा केवल कहने का, देखिए उनकी पार्टी, उनको तय करना है क्या फैसला करना है। एज ए जर्नलिस्ट जो मुझे लगा कि जो इस बार मिसिंग है चीजें, वो मैंने आपके सामने पॉइंट आउट किया, जो मेरा तजुर्बा है ऐसी कवर करने का, मेरा केवल उतना कहना। प्रमोद जी, आप किस तरह से देख